आफ्टरनून, जय श्री कृष्ण। चलो सब फट फट जॉइंट हो जाओ जल्दी से। तो हम हमारा आज का सेशन शुरू कर सके। अमूल के एफबी लाइव पेज पे मैं नडियाद से कुकिंग एक्सपर्ट पुनीता देसाई आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ। आज ये ठंडी की मौसम में बच्चों को अच्छा लगे वैसा एक स्टार्टर लेके आई हूँ, जिसका नाम है पनीर साते स्टिक। पनीर साते स्टिक के लिए हम पनीर का यूज करने वाले हैं, अमूल मलाई पनीर। और उसके साथ हमें बहुत सारे इंग्रीडियंट्स भी चाहिए। तो ये है कॉर्नफ्लोर, मैदा, ये ऑप्शनल है, ये पीनट है कॉर्नफ्लोर ग्राइंड किए हुए। फिर अदरक, लहसुन, इसको मैंने अच्छी तरह से चॉप करके रखा है। फिर ये मिर्ची, ग्रीन चिली, एंड ये जो वाइट पार्ट होता है ओनियन का वो है, ये जो ड्राई ओनियन पिंक ओनियन आती है वह है, ये ग्रीन पार्ट है ओनियन का जो हमें गार्निशिंग के लिए चाहिए, सॉल्ट एंड चिली पाउडर है जो कश्मीरी चिली आती है वो है। फिर उसके लिए हमें चाहिए अमूल का केचप एंड एक चिली सॉस चाहिए हमें, लेकिन मुझे वो स्वीट वाला अच्छा लगता है तो मैं ये वाला यूज करती हूँ। फिर चाहिए सेजवान चटनी एंड डार्क सोया सॉस। पहले हमें पनीर को कैसे कोट करना है वो देखते हैं, और उसके बाद हमें उसे आप फ्राई भी कर सकते हो और शैलो फ्राई भी कर सकते हो। उसके लिए मैंने ये एक से डेढ़ टीस्पून जितनी लहसुन की पेस्ट ले ली है, और ये जो है वो है सेजवान, जो चटनी या सॉस दोनों में से आपको जो चाहिए वो ले सकते हो। मैंने अभी चटनी ली है और उसी में हम एक पेस्ट जैसा थिक बैटर बनाएंगे, तो उसमें जो जो चाहिए वो मैं ऐड करते जाती हूँ। दो पिंच जितना हमें सॉल्ट लेना है, बहुत ही कम चिली पाउडर, वो अवॉइड करोगे तो भी चलेगा। फिर मैं ये पेपर पाउडर ले लेती हूँ, उसे मैं फ्रेश ही ले लेती हूँ। ये मुझे चाहिए हाफ टी स्पून जितना। ले रही हूँ ये मैंने सेजवान चटनी जो है वो भी मैंने एक टेबलस्पून ली है, ये भी मैं एक टेबलस्पून जितना ही ले रही हूँ। आप जो स्पाइसी चिली सॉस आता है, स्वीट नहीं लेकिन स्पाइसी, वो भी आप वो ही ले सकते हो, लेकिन मेरे घर में ये ज्यादा पसंद है तो मैं ये स्वीट वाला ले रही हूँ। उसका टेस्ट टैंगी और थोड़ा सा स्वीट बहुत अच्छा आता है, तो मैं ये ले रही हूँ। उसके साथ में मैं ये एक टेबलस्पून मैदा भी ऐड कर देती हूँ, और कॉर्नफ्लोर है वो भी मैं एक टेबलस्पून जितना ले लेती हूँ। सभी को अच्छी तरह से मिलाना है। जितना जरूरत लगे उतना ही पानी हमें ऐड करना है, ये कोट हो सके इतना तो हमें उसे ठीक रखना ही है। तो मैं ये बहुत संभाल के पानी ऐड करना है। ये मैंने दो टेबल
स्पून जितना पानी ले लिया है। उसे ऐसा डीप करके हमें ऐसे मैरिनेट करते हैं ना पनीर को, वैसे करना है। लेकिन उसे आपको ऐसा नहीं है कि उसे रेस्ट लेना है, आप वैसे ही कर सकते हो, फ्राई कर सकते हो। तो अभी मैंने एक तैयार रखा है, तो मैं अभी इसी के साथ मैं उसे फ्राई करने के लिए रख देती हूँ और आपको ये भी आगे की प्रोसीजर दिखा देती हूँ। कोट होना चाहिए चारों ओर से। ये मैंने अमूल का मलाई पनीर लिया है। अच्छी तरह से कोट हो जाए इतना ही ठीक करना है, वैसे हमें जैसे भजिए का बैटर बनाते वैसा नहीं करना है। तो ये उसमें पानी ज्यादा नहीं गिरना चाहिए और उसे डालते ही उसे हमें पलटाना नहीं है, नहीं तो ये पनीर सोख हुए है तो वो टूट जाएंगे। तो अभी मैंने उसे रख दिया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि अभी ये थोड़ा गाढ़ा है तो मैं थोड़ा बहुत संभाल के पानी ऐड करूंगी। अब इसी में अमूल का ऐसा जो पनीर आता है, ये पूरा स्लैब ही आता है, तो उसको मैंने ऐसे ऐसे कट करके ऐसे हिस्सों में कट करके रखा है। आप चाहो तो इससे छोटे कर सकते हो तो बाइटिंग हो जाएगा सिंगल, लेकिन ये भी आप कर ही सकते हो। तो मैं ये अभी इसमें कोट करने के लिए रख रही हूँ। ये मैंने 200 ग्राम पनीर लिया है। उसे अच्छी तरह से कोट करना है। आप उसे रेस्ट आधा घंटा दे सकते हो, नहीं दे सकते ऐसा नहीं है, लेकिन बिना रेस्ट किए भी आप उसे फ्राई कर सकते हो। ये मैंने अभी एक डाला वो रेस्ट किया हुआ है, अब मैं जो डाल रही हूँ उसे मैंने रेस्ट नहीं दिया, अभी आपके सामने ही मैंने उसे कोट किया है और मैं उसके अंदर उसे फ्राई करने के लिए रख दूंगी। मैं उसे पलट लेती हूँ और चारों ओर से अच्छी तरह से मैं उसे फ्राई करना है। अच्छी रेसिपी है और बहुत जल्दी से हो जाने वाली रेसिपी है और बच्चों को तो बहुत ज्यादा पसंद आती है।
साथ में ये जो अभी मैंने डाले हैं कोट करके वो भी ऐड कर देती हूँ। अच्छी तरह से कोट होने चाहिए और बहुत बेस्ट आपको दिखाऊं कि आप जब चम्मच से उसे टर्न करते हो तो चम्मच में जो ये जो पेस्ट है वो अच्छी तरह से चिपकनी चाहिए, तो वो आपका सही बैटर बना है। ये छोटे छोटे टिप्स आपको नोट करनी चाहिए। उसे भी अभी रहने ही देना है, उसे वेस्ट नहीं करना। अभी हम उसकी ग्रेवी बनाएंगे तो उसमें हमें चाहिए ये। ये मैंने पहला बैच रखा था वो रेडी हो गया है, ऐसा होता है। तो मैं वन बाय वन इसे टर्न करती हूँ और बाहर निकाल लेती हूँ। इसी पैन में हम उसकी ग्रेवी भी रेडी कर देंगे। प्री प्रिपरेशन हो तो ये बहुत जल्दी से बन जाता है। और मेक श्योर कि आप जब उसे पलटाते हो तो ऐसा फोर्क का यूज कीजिएगा। बढ़ा देना, लेकिन जलना भी नहीं चाहिए, वो भी हमें ध्यान रखना है, ऐसे बनने चाहिए। ये जो मैरिनेट किया हुआ था वो बैच रेडी है और मैंने अभी आपके सामने जो रेडी किया वो भी जस्ट रेडी होने के लिए, बाहर निकालने के लिए रेडी ही है। वैसे इसमें हमने बहुत सारा सीजनिंग किया है, सेजवान का टच दिया है, तब ये ऐसे भी खाओगे तो भी बहुत बढ़िया लगेगा।
हो सके तो इसमें आप नॉनस्टिक का ही यूज करना, ये भी एक टिप है, नहीं तो दूसरे बर्तनों के उसमें चिपकने की संभावना रहती है, आपका ऑयल कम गरम होगा तो भी ऐसा होगा और चिपक जाएगा तो जल भी जाएगा और टेस्ट में भी आपको बहुत अच्छा नहीं लगेगा। आप उसकी ग्रेवी में कोकोनट ऑयल और तिल का ऑयल दोनों का यूज कर सकते हो। आज मैंने तिल का ऑयल लिया है, वैसे भी विंटर है तो अच्छा रहता है। आप अभी जो समर में बनाते हो तो कोकोनट ऑयल भी यूज कर सकते हो, खाने वाला कोकोनट ऑयल। कौन कहाँ कहाँ से जुड़ा है प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखोगे और आपको रेसिपी कैसी लगती है वो भी लिखो। तो ये फ्राई होके दोनों बैच रेडी है। तो मैं उसे साइड पर रख देती हूँ और मैं ये ऑयल है उसे मैं दूसरे बर्तन में ले लेती हूँ और इसी पैन में मैं उसकी ग्रेवी भी रेडी करूंगी। जितना मैं ये तिल का तेल ले लेती हूँ। तिल थोड़ा गर्म हो जाए उसके बाद में ये अदरक लहसुन और मिर्ची वन बाय वन में ऐड करने जा रही हूँ। पहले मैं लहसुन ले लेती हूँ। ये मैंने एक टेबलस्पून लहसुन लिया है और एक टेबलस्पून मैंने अदरक लिया है। करके ही रखा था, ये थोड़े गोल्डन हो जाए उसके बाद में हम चिली और व्हाइट पिंक ओनियन ऐड करेंगे। ओनियन मैंने एक नंग जो मीडियम साइज का आता है इतना लिया है, उसे भी मैंने चॉप करके रखा है, अच्छी तरह से फाइनली चॉप किया है।
ग्रीन चिली भी मैंने अच्छी तरह से चॉप करके रखी है, वो भी मैं ले लेती हूँ। और ये पिंक ऑनियन, और ये व्हाइट पार्ट ऑफ ग्रीन ऑनियन। कौन कहाँ कहाँ से जुड़ा है प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखोगे। ऑनियन थोड़ी ट्रांसपेरेंट हो जाए उसके बाद में हमने जो पेस्ट बनाई थी पनीर को कोट करने के लिए, वो जितनी बची है वो ऐड कर देनी है, उससे इसका बढ़िया सा टेस्ट आएगा। ग्राइंड के पीनट्स ऐड कर सकते हो, आपको एक क्रंच चाहिए तो, नहीं तो आप उसे अवॉइड भी कर सकते हो। और ये जो पेस्ट बची थी वो मैं सब ऐड कर देती हूँ इसमें। और ये एक टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर है, उसे मैं थोड़े से पानी में डाइल्यूट कर लेती हूँ। और उसकी थिक ग्रेवी बनाने के लिए हमें उसमें 100 ml जितना पानी ऐड करना है। पानी ऐड करने जा रही हूं, और उसी के साथ ये जो मैंने स्लरी रेडी की थी वो भी ऐड कर लेती हूं। थोड़ा चिली पाउडर, नमक एज पर टेस्ट, क्योंकि हमने आगे जो ये जो सॉस आता है उसमें भी चिली सॉस आता ही है, सॉरी सॉल्ट आता ही है। और ये बहुत थोड़ा सा मैं सोया सॉस ले रही हूँ, बहुत कम लेना है। मैंने थोड़ा पानी बचा के रखा था वो ऐड कर दिया है। ये अमूल का केचप लिया है मैंने, दो टेबलस्पून ऐड किया है।
रेसिपी सबको कैसी लगती है? कमेंट करके बोलो आप सब, बताओ। होटल में वो लोग रेड फूड कलर भी ऐड करते हैं, लेकिन हमने फूड कलर अवॉइड किया है। आपको थोड़ा ज्यादा कलर चाहिए तो आप रेड चिली पाउडर थोड़ा ज्यादा ऐड कर सकते हो। उसी के साथ आपको विनेगर या तो लेमन जूस ऐड करना है, एक टीस्पून जितना। सॉल्ट मैंने पर योर टेस्ट लिया है और एक टीस्पून जितना मैंने लेमन ले लिया है। विनेगर भी ऐड कर सकते हो। और ये पेपर, ये भी मैंने हाफ टीस्पून लिया है। अब इसी में ये हमने जो फ्राई करके रखे हैं वो ऐड कर देने हैं और 2 मिनट तक हमें उसे कुक करने हैं। इतनी ग्रेवी से आप 200 ग्राम पनीर का कर सकते हो। अच्छी तरह से इसमें कोट हो जाए। करना हो तो आप कर सकते हो, लेकिन मैं बाद में करूंगी। मैं सिर्फ सॉल्ट टेस्ट कर रही हूं। थोड़ा सॉल्ट कम लग रहा है। मैंने स्विच ऑफ कर दिया है। मैं इंडक्शन हटा देती हूं तो आपको दिखाई देगा। है ना, बहुत इजी रेसिपी लगी ना आपको? बहुत जल्दी भी बन जाती है। आपके प्री प्रिपरेशन हो तो बहुत बढ़िया से जल्दी से बन जाती है। इसमें हम कॉर्नफ्लोर की स्लरी ऐड करते हैं ना, तो ये अच्छी तरह से कोट हो जाता है और उसमें पनीर में जो हमने कोटिंग किया है उसका भी टेस्ट और ये ग्रेवी का भी टेस्ट, ये बहुत बढ़िया लगता है। बड़ी सादी स्टिक नहीं है तो आप छोटी जो आती है टूथपिक उसमें भी कर सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको बड़ी सादी स्टिक में ही करना है, आपको घर में ही खाना है, टेस्ट ही चाहिए। नो डाउट
प्रेजेंटेशन तो अच्छा होना ही चाहिए, लेकिन स्टिक से कोई फेर नहीं आएगा। होटल में जाते हो तो इसका 250 से 300 रुपये दे के आते हो। तो आज ये मेरी रेसिपी फॉलो करना और उसे आप घर पे ही बनाना। और उसे ये जो ओनियन, ग्रीन अनियन का ग्रीन पार्ट होता है, उससे मैं गार्निश करूंगी। है ना कितनी इजी रेसिपी है। मैं रेसिपी को दोहरा देती हूँ। आप बाजार में जाओ, पनीर लेके आओ, दूसरी सारी चीज तो घर में होगी और आप अभी बना के उसे एंजॉय कर सकते हो, है ना? देखो, उसके लिए मैंने 200 ग्राम पनीर लिया है और जो लहसुन की पेस्ट आती है वो उसके अंदर मैंने चिली सॉस आता है वो, केचप और पेपर पाउडर, उसमें केचप नहीं ऐड करना है, और सॉल्ट, थोड़ा चिली पाउडर और सोया सॉस ऐड करके हमें उसकी एक पेस्ट बनानी है। कॉर्नफ्लोर और मैदा 1-1 टेबल स्पून लेना है। जितनी जरूरत हो उतना ही हमें पानी ऐड करना है और थिक बेटर पेस्ट बनानी है। और उसमें हमें जो पनीर आता है उसके स्लैब में से हमें उसे कट करना है और उसे कोट करके हो सके तो रेस्ट देना, नहीं दोगे तो भी चलेगा। मैंने वो भी आज बनाया आपके सामने ही बिना रेस्ट किया, और रेस्ट किया, दोनों का रिजल्ट सेम ही आता है। लेकिन जो रेस्ट दोगे तो जो फ्राई होगा तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, आप बिगिनर हो तो। और मैंने उसके बाद में उसे फ्राई किया और 3 टेबल स्पून जितना मैंने तिल का ऑयल लिया था उसके अंदर मैंने लहसुन, अदरक, मिर्ची और ओनियन को अच्छी तरह से सौते किया, जो पेस्ट बची थी वो ऐड की, फिर थोड़ा सा विनेगर या लेमन जूस, केचप और कॉर्नफ्लोर 1 टेबल स्पून और 1 टेबल स्पून पानी, उसकी मैंने स्लरी बनाई और ऐड करके कुक किया। उसी के साथ उसमें मैंने ये जो तैयार किए थे पनीर के कोट करके हुए फ्राई किए वो ऐड किया और उसे 2 मिनट तक कुक किया। उसके बाद मैंने उसे सादे स्टिक में रख के और ग्रीन ओनियन से सजा के सर्व किया। आप सब यहाँ जुड़ते हो तो सबको मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। अमूल टीम, दीपा मैम, अभिषेक सर, शशांक सर, सबका मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। एक बार फिर से मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए हैप्पी कुकिंग।